नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन तीन संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपको मिल रही हैं। जब दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं तो आपके साथ ब्रह्मांड की उन अनेकों ऊर्जाओं का संबंध बन जाता है, एक मेल बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है और वह ऊर्जाएं आप लोगों का कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपके शरीर में वो दिव्य शक्तियां समाहित होना शुरू कर देती हैं। जब आपके और देखो, दो तरह की ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में हैं, एक है नेगेटिव ऊर्जा, दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा। जब पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, मतलब दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती हैं, तो उस दिव्य शक्ति का एक ऑरा आपके चारों ओर बन जाता है। काफ़ी साधक ऐसा बोलते हैं कि मुझे दिव्य शक्तियों के संकेत तो प्राप्त होते हैं लेकिन मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता, मैं उनसे कोई भी कार्य नहीं ले पाता, मैं उन शक्तियों से कोई काम भी नहीं करा सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मैं अपने दुखों को भी दूर नहीं कर सकता, तो ऐसी दिव्य शक्तियों का मैं क्या करूं? देखिए, दिव्य शक्ति प्राप्त होना ऐसा नहीं है कि आप लोग भगवान बन जाओगे, आप लोग परमात्मा बन जाओगे। जब दिव्य शक्तियां जब मिलना शुरू होती हैं तो वो संकेत आपको मिलते हैं, लेकिन उन दिव्य शक्तियों से कार्य लेने के लिए तो उस ओरे की भी क्षमता आप लोगों को बढ़ानी पड़ती है। शक्ति का ओरा होता है दिव्य शक्तियाँ, जब आपका एक चारों ओर एक ओरा बन जाता है, जैसे जैसे आप भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जप करते हो, तो आपके चारों ओर एक ओरा बन जाता है जो पॉजिटिविटी का ओरा होता है। ठीक है, वह ओरा उतना ही मजबूत होता चला जाएगा जितना आप मंत्र जप करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप किसी देवता की भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो वैसे वैसे वो ओरा भी मजबूत होता रहता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उस ओरे को कितना मजबूत करते हो और कितना उस ऊर्जा से कार्य लेते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चारों ओर वो दिव्य शक्तियाँ कार्य करना शुरू करती हैं, आप लोगों को उसी ओरे के अंदर वो अनुभव होते हैं, वो शक्तियों के आभास होते हैं। जैसे सबसे पहला संकेत कि जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, तो जब भी दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होगी तो आप लोगों को अपने आसपास आवाज़ें सुनना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों को दूर दूर की आवाज़ें भी बिल्कुल आराम से सुनाई दे सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर से कोई आवाज़ आपके कानों में आ रही है, ध्यान करते समय ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। साथ में ध्यान करते समय आप लोगों को धुन सुनाई दे सकती है, जैसे कोई धुन आपके कानों में बज रही है। इसी के साथ साथ आप लोगों को और भी अनुभव हो सकते हैं, जैसे ओम की ध्वनि सुनाई देना या फिर मंदिर की घंटियां सुनाई देना, ठीक है, शंख बजते हुए सुनाई देना। आप लोगों को ध्यान के समय अपना शरीर उड़ता हुआ महसूस हो सकता है, जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव भी अगर आपके साथ में होता है तो आप लोग ये जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियां आप लोगों के साथ हैं। साथ में आप लोगों को अपना पूरा शरीर, अपनी आत्मा आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जब दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। खुद का ही शरीर ध्यान में देखना भी यह संकेत है। साथ में आप लोग जब ध्यान करते हो, मंत्र जपते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उस स्थिति में आप लोगों को यह भी अनुभव हो सकता है जैसे आपके चारों ओर कुछ घूम रहा है और उसका जो सुगंधित वातावरण है वो आपको महसूस होगा, जैसे कोई सुगंध आपके चारों ओर घूम रही है, वो सुगंध आपको महसूस होगी, ना कि किसी और को, केवल आपको ही महसूस होती है। ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर को छूना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार के अगर अनुभव आपके साथ में होते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से आता है दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में बताया गया है कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके पास होती है तो आपकी ब्रह्म मुहूर्ता के समय में नींद खुलना शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्ता का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का समय होता है। उस समय में देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, देवी देवताओं के मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास भी किसी आपके इष्ट देव की कृपा से कोई दिव्य शक्ति है तो आप लोगों की नींद भी ब्रह्म मुहूर्ता के समय में खुलना शुरू हो जाती है। साथ में आप लोगों को और भी
बार सो सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी वजह से उठ सकते हो, चाहे आपकी कोई शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, या फिर आपको किसी ने आवाज़ देकर उठाया हो। अनेक वो होते हैं ना, अनेक कारण हो सकते हैं आपके उठने के, लेकिन उठोगे जरूर, आपकी नींद जरूर टूटेगी एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से रात्रि में आप लोगों को देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, अनेक देवी देवताओं के मंदिर आप लोगों को दिखाई देंगे, साथ में उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, साथ में उनके मंदिर व ज्योति जलती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार आपको शिवलिंग दिखना शुरू हो जाते हैं, बहता पानी भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, हरी भरी पहाड़ियाँ के सपने आएंगे। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जब आप चल रहे हैं, चलते चलते अचानक कभी पानी में गिर गए, कभी पहाड़ी से नीचे गिर गए, तो इस तरह के सपने भी आपको बहुत आएंगे। साथ में इस तरह के भी आएंगे जैसे कोई शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई सांप आपके पीछे भाग रहा है, तो इस प्रकार के उथल पुथल वाले सपने आप लोगों को जरूर आते हैं। और यह सपने आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में आएंगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय से पहले, जैसे रात्रि में 2 बजे आ गया और 2 बजे के बाद 3 बजे आपकी अचानक नींद टूट गई, तो इस प्रकार से आप लोगों के साथ में घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। साथ में आप लोगों को एक अनुभव यह भी हो सकता है, जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं, सोते सोते आपको ऐसा लगेगा जैसा आपका शरीर हवा में उड़ रहा है, आप आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, बेड से आप ऊपर हो चुके हैं, आपको अपना पूरा शरीर हल्का महसूस देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आप लोगों को यह बताता है, आप लोगों के स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा फर्क आना शुरू हो जाएगा, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। कैसे कि आप लोग ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करोगे, अकेला बैठना पसंद करोगे, अकेले ही आप लोग बातें करना पसंद करोगे। साथ में अगर किसी के साथ कोई परेशानी हो भी रही है, उनकी परेशानियों को समझोगे तो, लेकिन अपने दिमाग पर मत ले, दिमाग पे नहीं लोगे, ठीक है, उस बात को उतनी गहराई से आप लोग नहीं सोचोगे। आप लोग हर बात को आध्यात्मिक से जोड़कर देखेंगे, अगर कोई आपसे आध्यात्मिक बात करेगा तो आपका लगाव होगा उन बातों में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर और किसी कार्य के बारे में कोई बात करेगा तो आपका उतना लगाव उन बातों में नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका यह भी संकेत मिल सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कम बोलोगे, अकेला रहना पसंद करोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग आध्यात्मिक मार्ग में बिताना पसंद करोगे, ध्यान में बिताना शुरू करोगे, भक्ति में बिताना शुरू करोगे, तो इस प्रकार के लक्षण भी आपके साथ में होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका जो आज्ञा चक्र है, जब भी कभी भी आप लोग अपनी आंखें बंद करोगे तो आप लोगों को आज्ञा चक्र पर एक घूमता हुआ कुछ दीपक सा या फिर कोई रोशनी आपको नजर आ सकती है, अचानक ही रोशनी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब भी आंखें बंद करोगे तो आप लोगों को काल अंधेरा नहीं दिखेगा, आप लोगों को उसमें हल्की हल्की रोशनी आती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरोगे वैसे वैसे वो रोशनी भी बढ़ती चली जाती है, आप लोगों को कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ध्यान में अनेकों कलर दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो कलर होते हैं वो आपके शरीर में जो सातों चक्र हैं वो उनके ऊपर आधारित होते हैं, जैसे जैसे जो भी चक्र आपका एक्टिवेट होता रहेगा उसी प्रकार से आपको कलर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को अपनी पीठ के ऊपर सांप का एक दृश्य भी महसूस हो सकता है कि जैसे कोई कीड़े आपकी कमर पर रेंग रहे हैं, आपकी पीठ पर रेंग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुभव भी अगर आपके साथ में होते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ चल रही हैं। शिवलिंग बहुत नज़र आते हैं ऐसे साधकों को, ठीक है, त्रिशूल नज़र आ सकते हैं, डमरू नज़र आ सकता है, तो शिवलिंग शिव महाराज की तस्वीरें भी आप लोगों को नज़र आ सकती हैं। साथ में जिस भी देवता की दिव्य शक्ति आपको मिली है उन देवता के बार बार सपने में दर्शन होना भी यह संकेत है। इसी के साथ में आप कहीं पर जाओगे तो आपको अपने आसपास किसी का अनुभव हो सकता है कि जैसे कोई आपके साथ चलता है या फिर कोई आपकी हर कदम पर सहायता करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुभव भी अगर आपको होते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके साथ में दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई साधक ऐसा है कि भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी कारणवश दिव्य शक्ति उनके पास है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके
के साथ कोई परेशानी है, घर में कोई समस्या है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई समस्या है, मेरे साथ कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी समस्या जानने के लिए, अपनी परेशानी का हल जानने के लिए। आपको तुरंत बता दिया जाएगा जो भी समाधान होगा। साथ में अगर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या बताएं, आपको कॉल आने का समय बता दिया जाएगा, साथ में आपसे बात हो जाएगी और जो भी समस्या है वो आपकी देखकर आपको उसका समाधान बता दिया जाएगा। साथ में अगर आप और भी अनुभव लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की कम्युनिटी चेक करके उसमें से आप अपने और बच्चों के अनुभव हैं जो वो देख सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।